आपकी फैमिली को ख़ास तौर पे पहले मैं इस बुक लॉन्च की मुबारक देना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली की हमेशा बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। जब कोई किताब लिखता है या काम करता है तो उनकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत होती है। तो मैं आपके दोस्तों को, आपके जो कलीग्स थे, तो इस सेरेमनी के अंदर मैं आपको भी मुबारक देता हूँ। इकराम, देखें, मुझे आपसे जितनी भी मेरी बड़ी पुरानी, मेरे ख्याल में तकरीबन ओवर 30 साल हमारी वाकफियत है, तो जो आपने शुरू में बात की कि जो चीज़ मैं नहीं भूलता कि जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की, तो वो ऐसी था जब मैंने स्विमिंग शुरू की। मैं 4 साल का था, मेरे कज़न पहली दफ़ा मुझे लेके गए, पहली दफ़ा मैंने स्विमिंग पूल देखा। एचएसएन कॉलेज का स्विमिंग पूल था जमान पार्क से, वो सारे गर्मियों में वहाँ स्विमिंग करते थे, तो मैंने वो देखा कि सारे स्विमिंग कर रहे हैं, मैं बाहर, उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। तो मैंने सारों को देखा कि ऊपर हैं, तो मैंने समझा पानी बड़ा गहरा नहीं होगा क्योंकि सारे ऊपर हैं उसके, तो मैंने कपड़े मार के छलांग मार दी उसके, तो सीधा नीचे चला गया। फिर मेरे कजन्स ने मुझे वो स्विमिंग सिखाई और फिर खुद सीख ली मैंने। तो पॉलिटिक्स भी ऐसी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या, ना मेरी कोई फैमिली पॉलिटिक्स में थी, ना मेरे लोग थे जो पॉलिटिकल थे। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझता था क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई थी पॉलिटिक्स, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की जो पिक्यूलियरिटीज़ थी बड़ी, यानी हमारी हर पॉलिटिक्स, हर मुल्क का एक कल्चर होता, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका। तो उसी तरह मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मुझे जो याद है कि आपने मुझे एक अपना गार्ड प्रोवाइड किया पहली दफ़ा जब मैं पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि पाकिस्तान में यह था ना, जब आप चैलेंज करते हैं, और मैंने दोनों को चैलेंज कर दिया, यानी वो दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर जाऊँ, एक तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग, और दोनों को मैं जानता था। बेनज़ीर मिर से मेरी दोस्ती थी, और नवाज शरीफ को आपको पता है उसको क्रिकेट का ज़्यादा शौक था, बाई चांस प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मैं क्योंकि पर्सनली उनको जानता था, तो उन्होंने दोनों ने बार बार मुझे ऑफर्स की, तो मैं तो आया ही उनकी करप्शन के अगेंस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने दोनों को एक वक्त पे चैलेंज किया, और फिर वो हुआ जो मैंने पहले छलांग मारी थी, पानी में सीधा नीचे चला गया। तो तब आपने मुझे SMS का आपका गार्ड प्रोवाइड किया, मुझे याद है, और हमेशा आपने, आपको फिक्र रही कि इसको, ये सारे माफियाज के सामने एक ही वक्त पर खड़ा हो गया, तो इसको ज़रूरत है गार्ड की। तो मैं, वो तो एक साइड थी। दूसरी जो आपकी राइटिंग्स हैं, देखिए आपकी राइटिंग में दो चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद हैं। एक कि आपकी राइटिंग हमेशा उसमें पेट्रियाटिज़म नज़र आती थी, मुल्क की तकलीफ, मुल्क की दर्द नज़र आती थी। आप जब लिखते थे तो वो एक इस तरह एक इंसान लिखता है जिसको मुल्क की तकलीफ है, और वो समझता है कि मुल्क बेहतर कर सकता था, मुल्क अपने पोटेंशियल पर नहीं परफॉर्म कर रहा, मुल्क में खामियां, अगर ये खामियां दूर हो जाए तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंटली आपकी थीम रही है, और ये मुझे हमेशा इसलिए पसंद है कि देखें, मैं अगर क्रिकेट से देखूँ कि क्रिकेट में 21 साल मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेला, तो दो टाइप खिलाड़ी होते थे क्रिकेट में, एक वो जो अपने लिए खेलता था और एक जो टीम के लिए खेलता था। हमेशा टीम डिस्टिंग्विश करती है दो इन मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर। जो अपने लिए खेलता है कभी टीम उसकी इज्जत नहीं करती। मैंने जितनी भी अपने करियर में देखा, जो इज्जत किसी की हुई, जो टीम रिस्पेक्ट करती थी, वो टीम प्लेयर की थी, जो टीम के लिए जान मारता था। उसी तरह कौमें हमेशा उनको याद रखती हैं जो कौम के लिए दर्द रखते हैं, जो कौम के लिए कोशिश करते हैं। अपने लिए तो इंसानी तारीख में कितने लोग आए, अरबोपति बन गए, पैसे बनाए, बाहर पैसा भी ले गए, अपने लिए जिए, तो कभी भी कौम उनको नहीं याद रखती। और जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ट्रेडिशन है, जो सूफी ट्रेडिशन है, आप देखें कि अगर हम, ये गिवन है कुरान के अंदर कि इज्जत अल्लाह की तरफ से आती है, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। तो आप देखें कि ये जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, दाता साहब, बुल्ले शाह, बाबा बुल्ले शाह, बाबा फरीद,
अभी भी लोग, लाखों लोग उनको जाते हैं सलाम पेश करने के लिए। तो क्या वजह थी? क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे, उनकी सारी, कोई अपनी जात के लिए नहीं आए थे, उनकी सारी जिंदगी इंसानियों, इंसानियत की जिंदगी बेहतर करने के लिए आए थे। तो इसी तरह जो बादशाह भी कोई आया दुनिया में किसी मुल्क में, तो किसने, कौम ने कौन से लीडर की या बादशाह की इज्जत की? हम क्यों कायदे आजम की इज्जत करते हैं जब तक पाकिस्तान रहेगा कायदे आजम की? क्योंकि कायदे आजम ने जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। सबको पता है कि कायदे आजम मुखलिस थे पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खड़े थे। तो इसलिए आज भी हम, और हमेशा जब तक पाकिस्तान रहेगा, तो कायदे आजम को रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाएगा। जिस तरह नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में 27 साल जेल में गुजार के सबको माफ कर दिया, क्योंकि उसका अपने से जात से बड़ा कॉज था। तो इसलिए इकराम, जो आपकी राइटिंग, वो मैं इसलिए अप्रिशिएट करता था, हमेशा करता हूं, क्योंकि आप एक अपनी दयानतदारी से कि कैसे मुल्क बेहतर हो सकता है, आप लिखते थे। लोग आपसे एग्री करें या ना करें, वो मुख्तलिफ चीज है, लेकिन पेट्रियाटिज्म एक बीच में मुल्क से जो प्यार था वो सामने आता है। दूसरी चीज कि ये भी मेरा क्रिकेट से एक, मैंने अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस में चीज देखी कि दो टाइप खिलाड़ी होते थे। एक खिलाड़ी जब ग्राउंड पे कदम रखता था तो उसकी सारी जेन में सोच ये होती थी कि मैं अगर हार गया तो क्या होगा, कि अगर मैं मैच जीता ना तो क्या होगा, कितनी मुझे जिल्लत मिलेगी, मुझे मजाक उड़ेगा, मेरा ये होगा। तो उनकी सारी जो माइंड सेट होता था वो हार के खौफ से सारे फैसले करता था। और दूसरा जो कि चैंपियन बनता था खिलाड़ी, वो हमेशा ये सोचता था कि मैं अगर जीत गया तो क्या होगा। ये दो डिफरेंट माइंड सेट्स हैं, एक है रोमांटिक, एक है जो आइडियलिज्म, रोमांटिसिज्म। दुनिया में किसी ने भी बड़े काम किए हैं तो वो हमेशा आइडियलिस्टिक होता है, वो बड़ी बड़ी ख्वाब देखता है, वो पिक्चर करता है जीत क्या होगी, और फिर वो बाकी उसे बड़ा सोचता है। और दूसरा होता है पेसिमिस्ट, जो कि हमेशा, जिसको कहते हैं रियलिस्ट, रैशनलिस्ट, वो हमेशा अपना सोचता रहता है कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि मैं अगर ये हो गया तो क्या होगा, यानी जो अकल का गुलाम होता है। मैं मिसाल हमेशा देता हूं एडमंड हिलरी की, कि जब उसने फैसला किया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, तो उससे पहले जितने भी लोगों ने कोशिश की थी, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो रैशनलिज्म तो कहती थी कि या आप मर जाओगे या फेल हो जाओगे, क्योंकि वो डेटा तो यही कहता था। तो ये एक रोमांटिसिज्म होती है, एक आइडियलिज्म होती है कि नहीं, जिधर बाकी फेल हो गए मैं कामयाब होऊंगा। तो यही माइंडसेट होता है एक इंसान का, जो कि बड़े काम करता है, और जो एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और जो एक्चुअली दुनिया के अंदर जितने भी बड़े काम हुए वो हमेशा ये आइडियलिस्ट ने किए थे, जो ख्वाब देखने वाले लोग थे। तो आपकी भी इकराम, जो आपकी किताब के अंदर जो बेसिक थीम है कि हम, ये हमारे मसले हैं, अगर हम ये ठीक कर दें, तो भी आपने बात की कि मुल्क में कितना पोटेंशियल है, हम किधर जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आया था, क्योंकि कभी बाकी तो कोई पॉलिटिक्स में आया, इनको तो कोई जानता ही नहीं था उससे पहले, किसको कोई जानता था। मैं तो सबसे बड़ा उस वक्त नाम बन चुका था पाकिस्तान में, मुझे जरूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, कि किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह नहीं दी थी, सब कुछ दे चुका था अल्लाह पॉलिटिक्स में आने से पहले। तो लेकिन ये सोच थी कि हमारा मुल्क, हम जब दुनिया को देखते थे और अपने मुल्क को देखते थे, तो हम फील करते थे कि हमने अपने से जुल्म किया, हमने इस मुल्क से, जो अल्लाह ने ये नेमत, पाकिस्तान का नाम जो अल्लाह की नेमत है, इससे हमें इंसाफ नहीं किया। तो फिर दो चीजें हो जाती थी, कि चुप करके हर रोज शाम को अपने आप को डिप्रेस करके सो जाओ, डिनर टेबल पे जाओ और कहो ये बुरा है, वो बुरा, बुरा सो, या फिर आप जदोजहद करें, फाइट करें अपने मुल्क के लिए। और मैं ये समझता हूं आपकी तरह कि अगर हम इस मुल्क के लिए फाइट करें, और जब से मैं, ये तकरीबन 3 साल हो जाएंगे आप, इस अल्लाह ने इसमें बहुत पोटेंशियल दी है। किसी फील्ड में भी पाकिस्तान हमने अंडर परफॉर्म किया, हर फील्ड में किया। जो आपने बात की है मिनरल वेल्थ, मुझे तो खुद ही अंदाजा नहीं था कि हमारे पास कॉपर गोल्ड रिजर्व्स हैं,
मुझे तो ये नहीं अंदाजा था कि हमारा एग्रीकल्चर में कितना पोटेंशियल है। अभी मैंने कोरियंस से मिलके आया हूँ जो पाकिस्तान में अब हमें मदद कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे। तो एक एक एरिया के अंदर पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है, 12 मौसम है पाकिस्तान में, तो हर चीज उग सकती है यहां। हमने कभी वो मोहनजोदड़ो के बाद कभी सोचा ही नहीं कि इसमें इस मुल्क के अंदर और भी कोई गंदम के अलावा कुछ उग सकता है, किसी ने कभी काम ही नहीं किया। गाय हमारी पता नहीं जो आप कह रहे हैं कि कितनी दुनिया में गायें, हमारी यील्ड से 6-6 गुना ज्यादा दूध देती हैं यहां इर्द गिर्द चाइना की और इधर उधर गायें। तो आप सोचें हम दुगना ही अपना दूध की प्रोडक्शन कर दें तो हम आज सूखा दूध इंपोर्ट करते हैं। सारी ऐसी स्टोरीज हैं, क्योंकि जो लीडरशिप थी उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि इस मुल्क में, इसमें जब छुट्टियां आपकी बाहर हैं, शॉपिंग आपकी बाहर है, हॉस्पिटल आपका बाहर, आपको क्या पता कि मुल्क के अंदर क्या है। टूरिज्म का पोटेंशियल मैं सारी दुनिया में देखा हुआ है, स्विट्जरलैंड, सारी ऑस्ट्रिया, हर जगह गया हुआ हूं। जो टूरिज्म का यहां पोटेंशियल है, आप यकीन करें दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जिस इतनी डाइवर्सिटी हो, किसी ने कभी सोचा ही नहीं है। रिलीजियस टूरिज्म वो एक अलहदा पूरा शोबा है जिसमें हिस्टोरिकल टूरिज्म अलहदा है, पुराने शहर अलहदा है, लेकिन जो माउंटेन टूरिज्म है वो तो यूनिक है दुनिया में। स्विट्जरलैंड की, ये मोहित आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आधा है स्विट्जरलैंड पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज का। नॉर्दर्न एरियाज हमारे डबल हैं स्विट्जरलैंड के, साइज में भी हाइट में भी। स्विट्जरलैंड सिर्फ टूरिज्म से तकरीबन $80 अरब कमाता है हर साल, $80 बिलियन। तो यहां सोचें कि इतना बड़ा मुल्क है, हमारी पता नहीं कोई मिलियन में भी टूरिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं। अगर मेरी छुट्टियां ही लंदन में और शॉपिंग हैरिट्स में होगी, मुझे क्या पता कि यहां क्या टूरिज्म है गर्मियों में। सो मैं जो आखिरी पॉइंट आपका, जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट किया, जो आपकी आपने कहा कि अभी मुझे जो ड्राइवर या किसी ने बात की, इंसाफ की, देखिए असल स्ट्रगल पाकिस्तान की क्या है, हमारा जो पोटेंशियल पूरा नहीं हुआ उसकी असल वजह क्या है, उसकी असल वजह ही इंसाफ है, ना इंसाफी। देखिए ये जो स्ट्रगल है पाकिस्तान में, ये सबसे, मैं इसको जब सुबह उठता हूं तो मैं ये नहीं सोचता कि मैं कोई काम करने जा रहा हूं, मैं ये समझता हूं मैं जिहाद लड़ रहा हूं। जिहाद है क्या, जो इब्ने खालदून ने अपनी अपने फलसफे में लिखता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो जिसको बाप समझा जाता है, उसने कहा कि जो मेरा सारा तज्जिया है अपने दीन का, उसमें सिर्फ अल्लाह हमारे से एक चीज चाहता है कि इसकी, उसने हमें जमीन में भेजा क्यों है, इंसाफ कायम करने के लिए। देखिए जो इंसाफ है ना, यही डिफरेंस है एक महजब माशरे में और एक बनाना रिपब्लिक में, सिर्फ डिफरेंस इंसाफ है। और इंसाफ का मतलब वो बड़ा क्लियरली दो हदीस में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा, यानी जिधर नाइंसाफी। और मेरी अगर बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, तो कोई कानून से ऊपर नहीं है। सारी जंग हमारे 3 साल में क्या चल रही है कि एक प्रिविलेज क्लास कहती है कि बाकियों को आप जेल में डाल दें, लेकिन हम जो मर्जी करें, हम कानून के नीचे नहीं है, और अगर आप हमें हाथ लाएंगे हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। ये बेसिक है सारा। तो ये है स्ट्रगल पाकिस्तान की। जब तक जो भी माशरा ये स्ट्रगल जीतता है वो ऊपर चला जाता है। वसायल की वजह से आप कभी भी अमीर मुल्क नहीं बनते, नहीं तो स्विट्जरलैंड तो गरीब तरीन मुल्क होता, वहां तो कोई वसायल ही नहीं है। लेकिन अमीर मुल्क बनता तब है जिसके अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है, ताकत की हुक्मरानी नहीं होती। ताकत की हुक्मरानी जंगल का कानून है, माइट इज राइट। इंसानी माशरा बनता ही इंसानी माशरा तब है जब उसके अंदर रूल ऑफ लॉ होता है। ये जो रूल ऑफ लॉ है, इसके लिए एक माशरे के अंदर उसमें मॉरल वैल्यूज और मॉरल स्टैंडर्ड्स और मॉरल अथॉरिटी चाहिए, नहीं तो आप इंसाफ नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने उनके एक्स प्रेसिडेंट जुमा को, उन्होंने करप्शन के ऊपर बड़ी मुश्किलों से उसके लिए कुछ, उसको बुलाने की कोशिश की, तो लोग सड़कों पे, उन्होंने उसने लोग सड़कों पे निकाले,
शोर मच गया, अब वो सारा बैक ट्रैक कर रहे हैं कि किसी तरह आप हमें से बचा लें, क्योंकि ये कानून के ऊपर है। आप कभी भी किसी स्कैंडिनेवियन मुल्क में इस चीज का नहीं सुनेंगे, जब वो आइसलैंड या चदरबिदा या फिनलैंड या आइसलैंड, जब उसका उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम आया पैनामा में, सारे लोग उसके घर के पार पहुंच के उसको रिजाइन करना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ जिन माशरों के अंदर कानून नहीं होता, इंसाफ नहीं होता, उधर ये लोग एक प्रिविलेज क्लास आ जाती है। और ये जो जो आपने अगली बात की, ये जो जब एक प्रिविलेज क्लास आ जाती है आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, तो वो मुल्क को तबाह कर देती है। कभी भी पटवारी, गरीब, थानेदार ये चोरी करेंगे, ये मुल्क को तबाह नहीं करते, क्योंकि ये इनके स्विस बैंक अकाउंट्स नहीं होते या इनके मेफेयर में बड़े फ्लैट्स नहीं होते। तबाह जो मुल्क में करता है, जो आपकी रूलिंग एलीट जब चोरी शुरू करती है, वो फिर मुल्क तबाह हो जाता है। और इसकी फैक्ट आई पैनल जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जो अपने नीचे पैनल बनाई है और उसमें बताया कि ये अमीर गरीब मुल्कों में फासले बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक्चुअली साल की पूरी रिपोर्ट क्या है? उन्होंने कहा कि गरीब मुल्कों से हर साल 1,000 अरब डॉलर चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग होकर और ऑफशोर अकाउंट्स में चला जाता है। तो ये कोई गरीब लोग तो नहीं कर रहे होते, ये सारी रूलिंग एलीट मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाती। क्यों करना पड़ता है? अगर मैं अरबों रुपया चोरी करूंगा किसी डील में, तो मैं बिस्तर के नीचे नहीं पैसा छुपा सकता, लिहाजा मुझे बाहर भेजना पड़ता है। और तो मैं दुगना नुकसान करता हूं, पहले मैं चोरी में नुकसान करता हूं, फिर जब उसको डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर भेजता हूं, उससे भी बड़ा नुकसान करता हूं, क्योंकि मुल्क में इफेक्ट होता है आपकी करेंसी। ये मनी लॉन्ड्रिंग से आपका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है करेंसी पे, और करेंसी पे इंपैक्ट पड़ता है जब आपकी वो करेंसी गिरती है, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत फैल जाती है। ये सारी सारे गरीब मुल्कों का ये कहानी है। हर जगह लोग बैठे हुए, उनके हुक्मरान जिनके बड़े बड़े महलात हैं साउथ ऑफ फ्रांस में, बाहर ऑफशोर अकाउंट्स हैं, सारे गरीब मुल्कों का ये हाल है। इसलिए वो गरीब नहीं है क्योंकि वसाइल की कमी है, इसलिए गरीब है कि उनकी भी रूलिंग एलीट इस तरह, जो हमारा उन्होंने जिसको इस मुल्क को प्लंडर किया है, वो यही कर रहे हैं सब। सो वो स्ट्रगल असल में ये है इनको कानून के नीचे लाने की। जब आप रूलिंग ये ताकतवर को लेके आते हैं कानून के नीचे, तो फिर वो जो हदीस है कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले बर्बाद हुई, जब आप प्रिविलेज क्लास के लिए एक एनआरओ दे देते हैं उनको और गरीबों को जेलों में डालते हैं, तो वो फिर हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन ये जो जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम है, ये कभी भी नहीं चला, ये चल ही नहीं सकता कभी। और इसलिए मुल्क के अंदर ये अवेयर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस चीज की अवेयरनेस देनी। इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, जो हमारी खास तौर पे पिछले 35 साल के अंदर ये जो करप्ट ऊपर जो करप्ट माफिया आया है, ये जो दुबड़े खानदान आए हैं जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा है, इन्होंने जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, पैसे से बड़ा डैमेज किया है, इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दिया माशरे में। लोग करप्शन को बुरा नहीं समझते। आप किसी भी, मैं इंग्लैंड के अंदर जितनी भी टाइम गुजार रहा हूं, किसी पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, खास तौर पर पॉलिटिशियन, उसके ऊपर अगर करप्शन का एलिगेशन लग जाता है कि पब्लिक का पैसा चोरी करे, किसी ना वो कोई उसको पार्टी पे बुलाता है, ना उसको कोई खाने पे बुलाता है, ना उनसे कोई मिलना चाहता है, उनकी टोटल माशरे के अंदर उनको ऑस्ट्रसाइज कर दिया जाता है। अगर आप बदकिस्मती से अगर वो टीवी पे चले जाएं, तो उनसे वो हाल होता है जो इसहाक डार का हुआ था हार्ट टॉक के अंदर। कोई बख्शता नहीं है उनको, पब्लिक की पैसे की चोरी की कोई माफी नहीं है वहां। तो माशरा लड़ता है उससे, हमारा इन्होंने जुल्म ये किया है कि 35 सालों में आहिस्ता आहिस्ता लोग किससे एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि हाँ जी खाता तो लगाता भी है, इस तरह की फुलिश चीजें कर देते हैं कि अच्छा जी एक जरदारी सब पे भारी, वो पैसे चोरी किए हुए मुल्क है तो एक्सेप्ट कर। जब ये एक्चुअली सबसे बड़ी कैंसर है कि जब माशरे के अंदर आप जुर्म को एक्सेप्ट कर जाए, आप इसको बुरा ना समझे। मौलाना रूमी की सेइंग है कि एक उनसे पूछा कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। तो मॉरल कोलैप्स पहले आता है, फिर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कोलैप्स आता है। तो इकराम, मैं फिर से आपको मुबारक देता हूं
और मैं बिल्कुल याद है मुझे कि जब हम शुरू की थी और कोई समझ नहीं थी पॉलिटिक्स की, तब आपने मुझे एसएमएस का गार्ड दिया, जो उसने पूरी हमारी मदद की, जो साथ खड़ा रहता था, और हमेशा आपने फिक्र की कि इस पॉलिटिकल जंगल के अंदर एक नया आदमी आया है तो उसको ज़रूरत है, तो आपने तब से मदद की, तो वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में इकराम सहगल की किताब अ पर्सनल क्रॉनिकल्स ऑफ पाकिस्तान की रुनमाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, सियासत में आने से कबल मुल्की सियासी निज़ाम के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। अवाइल में पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने शमूलियत की दावत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ और जरदारी को उनकी करप्शन पर चैलेंज किया। कौमें हमेशा उनको याद रखती हैं जो कौमों के लिए कुछ करने का दर्द रखते हैं। हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। हमारे इस्लाफ ने इंसानियत के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने किताब की रूनुमाई की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी बड़े काम या मकसद के लिए मस्बत सोच अहम किरदार अदा करती है। मुल्क की बेहतरी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इकराम सहगल मुहिब वतन लिखारी हैं, तसनीफी काविश को सराहते हैं। पीटीवी न्यूज से ये थी ताज़ा तरीन।